गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। यस, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही है भाषा और व्याकरण, जो कि आपकी कॉमन टॉपिक है, फर्स्ट क्लास में भी, सेकंड में भी और थर्ड में भी। इसमें हम देखेंगे भाषा और व्याकरण क्या है। भाषा क्या होती है? जिसमें हम जिस साधन के द्वारा हम अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। जैसे कि मैम आपको क्लास में पढ़ा रही है और आप सुन रहे हैं, एक तो ये हो गया। एक आप टीवी देख रहे हैं और आप सुन रहे हैं, एक ये चीज हो गई। एक आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और उसको बोल बोलकर आप रीड कर रहे हैं, वो हो गया। तो देखिए, ये तो भाषा हो गई जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर और लिखकर प्रकट करते हैं। सेकंड थिंग है, भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा के दो रूप होते हैं। फर्स्ट है मौखिक रूप और सेकंड है लिखित रूप। मौखिक भाषा, जैसा कि मैंने बताया आपको, हम अपने विचार दूसरे के सामने बोलकर प्रकट करते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। लिखित में, जैसे मैम क्लास में पढ़ा रही है, बोर्ड पे मैम कुछ राइट कर रही है और आप उसको अपनी नोटबुक में नोट कर रहे हैं, ये भाषा का लिखित रूप कहलाता है। ठीक है, चलिए लिखने के लिए हम लिपि का उपयोग करते हैं। जब हम शब्दों को लिखकर, जो लिखने का जो तरीका होता है वो लिपि कहलाती है। भाषा के लिखित रूप में क्या होगा? समाचार पत्र होंगे, बुक होगी, नोटबुक होगी आदि होंगे। ठीक है, चलिए चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। आप इसको लर्न करिएगा, रीड करिएगा। थैंक यू।